तो दोस्तों बात आज फिर से चैंपियंस ट्रॉफी की करते हैं, जिस पर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट एक नई खबर सामने आ रही है, एक नया वर्जन सामने आता है, लेकिन कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं है। सब की सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के पास क्या विकल्प हैं, इन पर बात कर लेते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी किरकी और मैं हूं विकास गौड़। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों फरवरी मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी है। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित होनी चाहिए। 15 मैच कुल टूर्नामेंट में होने हैं, जिसमें से 10 मैच पाकिस्तान में हो और 5 मैच दुबई में आयोजित कराए जाएं। टूर्नामेंट में फाइनल समेत कुल 15 मैच खेले जाने हैं, जिसमें से कम 3 मैच भारतीय टीम खेलेगी। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो कुल 5 मैच खेलेगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत जो 10 मैच पाकिस्तान में हो और 5 मैच दुबई में आयोजित हो, तो उसमें से ये बता दिया जाए सभी टीमों को कि अगर भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है तो सिर्फ 4 मैच दुबई में होंगे और बाकी के सभी मैच पाकिस्तान में आयोजित होंगे। अगर भारतीय टीम फाइनल खेलती है तो फिर 5 मैच दुबई में आयोजित होंगे। ये पहले से ही स्पष्ट करना होगा पीसीबी और आईसीसी को। लेकिन अब विकल्प पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार की ओर से धमकी दी जा रही है कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं जाती है तो वे फिर टूर्नामेंट से हट सकते हैं। वहां का मौसम सब कुछ उम्मीद के मुताबिक सही रहेगा फरवरी और मार्च में, तो ये दो देश वहां मेजबानी कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन पाकिस्तान को इससे घाटा ये होगा कि जो करीब $65 मिलियन जो मैच होस्टिंग फीस है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिलेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट से भी हटना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इस बात पर राजी हो जाता है कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित होगा, आईसीसी पूरी होस्टिंग फीस है वो देने को तैयार है। तो यहाँ फायदे का सौदा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर अड़ा हुआ है कि जब पाकिस्तान की टीम भारत चली जाती है एक नहीं दो बार, क्योंकि 2016 में भी आई थी T20 वर्ल्ड कप के दौरान और 2023 में भी आई थी, फिर पाकिस्तान की टीम ना तो एशिया कप के लिए पाकिस्तान आई है और ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ रही है। तो इन सब से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सरकार की ओर से धमकी दी जा रही है कि वे टूर्नामेंट से हट सकते हैं। लेकिन अगर हटने का विकल्प चुनता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जाहिर तौर पर होस्टिंग फीस तो गंवानी पड़ेगी, इसके अलावा सैंक्शन भी आईसीसी की ओर से लग सकता है। अब दूसरा विकल्प इसमें यह है कि पूरा टूर्नामेंट कहीं बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। तो एक विकल्प तो यही रहेगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि टूर्नामेंट की मेजबानी करे तो फिर हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा, और नहीं अपनाता है तो फिर किसी दूसरे देश को इसकी मेजबानी मिल सकती है। और तीसरा विकल्प यह है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो भी ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि 2017 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है और उसके बाद भी ये टूर्नामेंट आयोजित ना हो तो फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। वहीं चौथा विकल्प ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो बिना भारत के खेली जाए, ये भी एक विकल्प है। अगर भारतीय टीम नहीं जाती है पाकिस्तान, और आईसीसी भी इसमें साथ देती है पाकिस्तान का कि अगर पाकिस्तान राजी नहीं है अपने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित कराने के लिए, तो भारत को बाहर किया जा सकता है। उस केस में श्रीलंका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकती है, लेकिन इसका फायदा ना तो पाकिस्तान को मिलेगा और ना ही आईसीसी को, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारतीय क्रिकेट ग्लोबल क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी ब्रांड है। खासकर भारतीय फैंस, भारतीय ब्रॉडकास्टर, सबके नजरिए से देखा जाए तो अगर भारतीय टीम नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये नहीं चाहेगा, ना तो पाकिस्तान चाहेगा और ना ही आईसीसी। तो इन्हीं विकल्पों पर ध्यान देते हुए ये मानना चाहिए पाकिस्तान को, और जल्दी से जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो टूर्नामेंट है उसे हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जाए। इसी में पाकिस्तान की भलाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा अपने स्टेडियमों को दुरुस्त करने में लगा दिया है, और मेरे ख्याल से उसकी जो डेडलाइन है 15 दिसंबर तक का जो सारा काम है स्टेडियमों का वो पूरा हो जाएगा। उस पैसे की भरपाई करने के लिए, उस पैसे का
जो रिटर्न है वो तभी हासिल होगा आपको जब आप टूर्नामेंट की मेजबानी करें। भले ही आप 10 मैच अपने यहाँ आयोजित करते हैं वो भी एक बड़ी बात होगी, और आईसीसी जब आपके साथ है कि आपको पूरी की पूरी जो होस्टिंग फीस है वो देने को तैयार है और जो बाहर जो खर्चा होगा वो भी वहन करने के लिए तैयार है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं और भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों मुझे कमेंट करके आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार होगा कि भारत के बिना वे टूर्नामेंट खेल सकते हैं? मुझे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।